आपको बता दें कि आज कांग्रेस पार्टी के नेता व पूर्व कैबिनेट मंत्री निजामुद्दीन सिद्दीकी के द्वारा बांधा आकर अपने सवाल से एक बयान जारी करते हुए कहा गया है कि प्रदेश सरकार को बढ़ते क्राइम से जल्द कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से प्रदेश के जनपदों में इन अपराधों के हौसले बुलंद दिखाई दे रहे हैं कि उनके द्वारा किसी भी घटना को अंजाम देने में कोई भी कोताही नहीं बरती जा रही है। हाल ही में विकास दुबे के द्वारा कानपुर में 8 पुलिस कर्मियों को मौत के घाट उतारने का काम किया गया है। इसके अलावा अन्य कई पुलिस कर्मी गंभीर रूप से घायल भी हैं, जिन्हें कानपुर जाकर मेरे द्वारा व प्रदेश अध्यक्ष लालू जी के अलावा अन्य कांग्रेस कार्यकर्ता भी साथ में गए हुए थे, और जब वे उन पुलिस कर्मियों से मिले तो वह सभी घायल पुलिसकर्मी बिलक बिलक कर रोते हुए अपनी कहानियां बयां कर रहे थे। हम लोगों की मांग है कि योगी जी प्रदेश की कानून व्यवस्था को जल्द से जल्द दुरुस्त कराएं, अन्यथा हम लोग एक बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। इसके अलावा हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रियंका वाड्रा के द्वारा लगातार आंदोलन को लेकर परमिशन मांगी जा रही है। जैसे ही हम लोगों को आंदोलन की परमिशन मिलती है तो हम लोगों के द्वारा एक बड़ा आंदोलन करने का काम किया जाएगा। अगर अपराधों की बात करें तो प्रदेश में कोई भी जिले अपराधों से अछूत नहीं है। वह चाहते हैं कानपुर, लखनऊ, शामली या फिर बांदा, हर जगह कहीं ना कहीं अपराधों से भरे पड़े हैं। आए दिन यहाँ अपराध होते हैं, लेकिन कानून के नुमाइंदे इन पर किसी भी प्रकार से कोई भी लगाम नहीं लगा पा रहे हैं। सदस्य विधान परिषद कांग्रेस पार्टी, मुझे मजबूरी में ये कहना पड़ रहा है कि उत्तर प्रदेश में कानून नाम की कोई चीज बाकी नहीं रह गई है। कानून व्यवस्था भ्रष्ट है, जंगल राज कायम है। अभी हाल में ही कानपुर में 8 पुलिस अधिकारियों से लेकर के सिपाहियों तक की हत्या कर दी गई, कई घायल हैं। कल मैं घायलों से मिलने श्री अजय कुमार लल्लू जी, हमारी पार्टी के कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष जी, श्रीमती आराधना मिश्रा सीएलपी लीडर और अन्य कई लोगों के साथ विजेंसी अस्पताल कानपुर गया था। घायलों की हालत देख करके घायल जो सब इंस्पेक्टर थे वो ऐसे बिलक बिलक के रो रहे थे, देखा नहीं जा रहा था। योगी जी आप क्या कर रहे हो, मोदी जी आप क्या कर रहे हो,